ये 11 नंबर का आपको ओपन एंड स्पैनर लगेगा, या आप रिंग स्पैनर भी ले सकते हो 11 नंबर का। और आप इसको क्या करोगे, बिल्कुल इसको एक समान इसको क्या करना है आपको, टाइट कर देना है। फैन का मुख्य उद्देश्य होता है इसके मोटर को ठंडा रखना। अब कुछ इस तरह से इसको इसके अंदर हम फिट कर देंगे। अब इसके अंदर हम एक देखेंगे, आपको एक होल मिलेगा, जैसा कि आप ये देख रहे हो एक होल है। इस पंखा ताकि घूमते घूमते बाहर की तरफ ना निकले, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ये जो आप ये स्क्रू देख रहे हो, इस होल के अंदर स्क्रू को डालकर और हम क्या करेंगे, इस स्टार वाले स्क्रू ड्राइवर से इसको हम टाइट कर देंगे। अब ये हमारा फैन जो है साफ्ट में हमने लगा दिया है फैन को, और ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब हम लोग फैन कवर लेंगे। ये हमारा फैन कवर है, इसको हम लगाएंगे। ये लगाते समय आपको देखना होगा ये होल जो है और यहां भी होल है, ये मैच होना चाहिए आपका। देखो इस तरह से आपका ये मैच होना चाहिए। फिर हम स्क्रू को उठाएंगे, और कुछ इस प्रकार से इसमें से हम टाइट करें। इसी तरह हम यहां पे आप देख रहे हो तीन स्क्रू लगेगा, एक नीचे होता है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, एक यहां पे होता है। तो ये तीन स्क्रू लगेंगे, तीनों स्क्रू को मोटर बॉडी के साथ आपको टाइट करना पड़ेगा। अब ये है हमारा टर्मिनल बॉक्स कवर, इसको हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे। टर्मिनल बॉक्स को तब खोलेंगे जब हमें कनेक्शन करना होगा। अगर हमारा ये कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो कैपेसिटर को चेंज करना होगा, या फिर आप न्यूट्रल फेज कनेक्शन करना है आपको मोटर के अंदर, तब हम इस टर्मिनल बॉक्स को खोलेंगे। इसके लिए भी हमारा 4 स्क्रू होता है। इस 4 स्क्रू को कुछ इस तरह से बैठाने के बाद इस तरह बैठाएंगे, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम टाइट कर देंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो, हमने सारे स्क्रू को टाइट कर दिया है, सारे बोल्ट को टाइट कर दिया है। अब ये पंप जो है बिल्कुल तैयार है। आप जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, इसमें सप्लाई दोगे, ये पंप जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमने सीखा कि पेरिफेरल पंप को कैसे असेंबल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।